हेलो नमस्ते डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योगा विद तनु। मेरा नाम है तनु। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आज मैं आपके साथ हूँ अपनी योगा जर्नी शेयर करने के लिए। मेरी योगा जर्नी कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और उससे मुझे क्या बेनिफिट हुए, और जब मैंने योगा सिखाना शुरू किया तो उनसे तो बहुत ही लोगों को बेनिफिट्स होने शुरू हुए। मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। तो मैंने योगा स्टार्ट किया जब मैं प्रेग्नेंट थी, 23 साल पहले। अभी मेरी उम्र है 45 साल की। सो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 5th मंथ टू लास्ट डे ऑफ माय प्रेगनेंसी बिफोर डिलीवरी मैंने योगा प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हर रोज़ करी, बहुत ही क्वालिफाइड टीचर के साथ। बिल्कुल अंडर गाइडेंस मैंने प्रीनेटल क्लासेस करी, जिसकी वजह से मेरी डिलीवरी बहुत ही आसान रही। विद इन फ्यू आवर्स मेरी डिलीवरी हो गई। डॉक्टर भी बहुत खुश थे, सरप्राइज थे। एंड मैं योगा अंदर से पूरी तरह से अच्छे से इंजॉय कर रही थी। फिर एक ब्रेक आ गया डिलीवरी के बाद कुछ महीनों के लिए। फिर से मैंने कुछ महीनों के लिए वही रेगुलर योगा क्लासेस स्टार्ट कर दिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे दूसरे शहर में मूव करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं योगा कंटिन्यू नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे अपने बेटे का टेक केयर करना था अकेले। और मुझे शायद उस टाइम इतना योगा कितना पावरफुल है, उसका कितना वैल्यू है, वो भी मुझे उतनी समझ नहीं थी। उन कुछ सालों में मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगे, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगे, ओवरियन सिस्ट हो गए, जिसकी वजह से मुझे एक सर्जरी करानी पड़ी ओवरियन सिस्ट की। और उसी के 6 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे एक और सर्जरी कराने बोला यूट्रस की, जो आज तक विद ग्रेस ऑफ गॉड, विद थैंक ऑफ योगा, मुझे वो नहीं करानी पड़ी। मैं रेगुलरली अपने चेकअप्स कराती हूँ। मेरी योगा प्रैक्टिस ने मुझे इतना हील किया कि मैं सर्जरी को आज दिन तक अवॉइड कर पा रही हूँ। विदाउट एनी मेडिसिन, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा हर दिन रेगुलर प्रैक्टिस है, वही मेरा मेडिसिन, मेरी हीलिंग सोर्स है। तो उसके बाद मैंने योगा को बिल्कुल सीरियसली लिया, एवरीडे प्रैक्टिस करी, और वो प्रैक्टिस करके इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने फर्स्ट योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया 2008 मुंबई में योगा इंस्टीट्यूट में, नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम। आफ्टर दैट फिर एक चांस मिला मुझे शिवानंदा इंस्टीट्यूट्स ऑफ योगा केरला नया डैम आश्रम में। मैंने अपना सेकंड कोर्स किया योगा शिरोमणि, योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स था, जो बहुत ही पावरफुल लगा मुझे। उसके कुछ सालों बाद मैंने योगा आचार्य सेम जगह से, शिवानंदा योगा इंस्टीट्यूट से किया। तो इस तरह से मैं हमेशा मौके ढूंढती रहती हूँ योगा स्टूडेंट रहने के। जब जहाँ चांस मिलता है तो मैं योगा सीखना अच्छी टीचर्स के साथ कभी नहीं भूलती। कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छी टीचर के साथ मैंने अपनी अष्टांग प्रैक्टिस भी करी, और मैं अब आपके सामने हूँ बिल्कुल ही हैप्पी। योगा ने शरीर के साथ साथ मन को बहुत बदला, मन पे उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आया, बहुत पॉजिटिविटी आ गई। ऑलमोस्ट कह सकते हैं लिव एवरी मोमेंट, नॉट इवन एवरी डे, मोमेंट बाय मोमेंट ग्रेसफुल होके, ग्रेटफुल होके जीने की कला आ गई। मन शांत हो गया, पॉजिटिविटी आ गई, बॉडी हेल्दी हो गई, माइंड हेल्दी हो गया, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो योगा से, और उसके साथ साथ सिर्फ ना मैं बल्कि मुझे योगा सिखाने का चांस मिला। पिछले 12 साल से मैं योगा सिखा रही हूँ। मेरे साथ साथ मैं कह सकती हूँ मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आते देखा है, योगा में भी बदलाव आते देखा है। योगा को लोगों ने एकदम फिजिकल एक्सरसाइज के जैसे ले लिया है, योगा का रंग रूप बदलता जा रहा है, जो कि 100% ठीक नहीं है, कुछ पॉइंट तक ओके। बट योगा अगर आप इंडियन हैं
और आपने योगा ट्राई नहीं किया है तो आप योगा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब हम योगा कोर्सेज में जाते हैं तब देखते हैं इतने सारे फॉरेनर्स आते हैं, वो योगा को इतना वैल्यू करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं योगा को, क्योंकि योगा सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है। जो आप शायद शॉर्ट्स देखते हैं इंस्टा पे या रील्स देखते हैं इंस्टा यूट्यूब फेसबुक, सिर्फ स्ट्रेचेस और एडवांस पोजेस, सिर्फ वही योगा नहीं है। मैं बोलूँगी योगा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप उसका अंदाज़ा वो सब देख के ना लगाएं और डर ना जाएं कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकती। आज के टाइम में मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, स्पाइन नेक, और जिनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं योगा करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी जानते हैं कि पहले माइंड शांत होगा, ब्रीदिंग प्रॉपरली होगी तो योगा आपको कैसे हील कर सकता है। कोई भी डॉक्टर आपको टेम्परेरी मेडिसिन दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या लॉन्ग टाइम के लिए भी दे सकते हैं, या लाइफ लॉन्ग भी दे सकते हैं, बट योगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बहुत अच्छी तरह से इनसाइड आउट हील करता है। तो ज़रूर विचार करें, अगर आपने कभी भी योगा नहीं किया है, आप सिर्फ मेरी बात ना सुने, आप गूगल करके देखें योगा का राइट मीनिंग, आप योगा में सर्कस में और जिमनास्ट में क्या डिफरेंस है उसको ज़रूर समझें और फिर योगा को शुरू करें। तो योगा के अनगिनत बेनिफिट्स हैं, मैं बोलती हूँ आपकी आपको बिल्कुल पर्सनल लेवल से स्टार्ट करके आपके अंदर की खोज को ही योगा कंप्लीट कर देता है, आपको अपना ईश्वर आपके अंदर ही मिलने लगता है। तो योगा को ज़रूर ट्राई करें, ये थी मेरी जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस। मैं विद ग्रेस ऑफ गॉड विद प्रैक्टिस ऑफ योगा बिल्कुल हेल्दी हूँ, विदाउट एनी मेडिसिन हूँ। तो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि योगा ज़रूर करें, लाइफ इजी है, सिंपल है, उसको इजी और सिंपल रहने दें, डॉक्टर्स मेडिसिंस और हॉस्पिटल से बचें। गॉड करिए ट्राई करिए योगा को, और हमेशा योगा ट्राई करें कि एक राइट टीचर के साथ करना, जो आपको सिर्फ फिजिकल इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपको डीपर लेवल पे लेकर जाए, इनर कनेक्शन आपका हो, जहाँ इनसाइड आउट वर्क शुरू होता है। तो राइट मीनिंग हो, राइट पर्पस हो योगा करने के लिए, वो ट्राई करें। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके कुछ विचार हैं इस पर तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।